हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है सिंपलीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, यानी ये जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास दिया गया है इसको पहले हमें सिंपलीफाई करना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, सिंपलीफाई करने का मतलब ये होता है कि हम इसको सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस कर दें, ताकि जब हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आगे आसानी हो। तो देखिए, यहाँ पे ये है इस फॉर्म में 15y-4, यह 15 के बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि हमें 15 का मल्टीप्लिकेशन पहले y के साथ, उसके बाद 15 का मल्टीप्लिकेशन -4 के साथ करना है। यहाँ पे भी सेम केस, 2 का मल्टीप्लिकेशन पहले y के साथ, उसके बाद 2 का मल्टीप्लिकेशन -9 के साथ, 5 का मल्टीप्लिकेशन y के साथ, 5 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। 15 × y, ये हो जाएगा 15y। 15 का जो साइन है वो है प्लस, और ये है ये है -4। यहाँ प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, और 15 जा हो जाएगा 60। -2 × y क्या हो जाएगा? -2y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 × 2 = 18 प्लस 55 × y, 5y प्लस 65 = 30 = 0। अब देखिए, y के सभी टर्म को देखिए, सभी टर्म को, यह है 15y, 5y, 2y। 15y प्लस 5y क्या हो जाएगा? 20y, 20y माइनस 2y क्या हो जाएगा? 18y। अब बाकी बचे टर्म को देखिए, 30 प्लस 18 माइनस 16। पहले हम इस 30 और 18 को ऐड कर लेते हैं, तो कितना होगा? 30 प्लस 18 ये हो जाएगा 8, 3 × 1 = 48, और उसमें ये माइनस करना है 60, तो देखिए क्या होगा, 48 है 60 48, तो ये हो जाएगा 2, 5 में से 4 = 1 = 12। 60 का साइन ग्रेटर है 48 से, ये माइनस में है, और 60 ग्रेटर भी है, तो ये हो जाएगा -12 = 0। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये जो LHS साइड में है, ये जो LHS साइड में -12 है, इसको हम RHS साइड में लेके आएंगे। जब हम LHS से RHS में लेके आते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे देखिए, 18y = 12। अब हमारा एम क्या होना चाहिए कि y के साथ जो भी है हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे? हम इस 18y को 18 से डिवाइड कर देंगे, तो 18 कट के क्या बच जाएगा? y। लेकिन जब हम इस LHS को 18 से डिवाइड करेंगे तो इस RHS को भी हमें 18 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन का बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। तो देखिए, हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 18, वी गेट क्या हो जाएगा? 18y बाय 18 इक्वल टू 12 बाय 18। ये 18 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए, 6 के टेबल से 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। अब यानी ये जो हमारा इक्वेशन होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2/3। आप इसका LHS RHS बराबर करके भी देख सकते हैं कि अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। हम क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी LHS में, RHS में। तो आप जब आपका LHS और RHS बराबर हो जाएगा, तो आप इस आंसर के करेक्टनेस के लिए श्योर हो सकते हैं।